हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम स्टाइलिश टॉप विथ बटरफ्लाई कफ स्लिप्स बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर 1.5 मीटर कपड़ा लिया है और कपड़े को इस तरह से हमने फोल्डेड साइड में बिछा लिया है। सबसे पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। यहाँ पर लेंथ मैंने 14 इंचेस लिया है, प्लस 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, यानी कि 15 इंचेस। फोल्डेड साइड से हम शोल्डर के लिए मेजरमेंट लेंगे 6.5, और यहाँ से हमें आर्म होल के लिए 6.5 में एक निशान लगा लेनी है। अब यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब फोल्डेड साइड से हम चेस्ट के लिए मेजरमेंट लेंगे, चेस्ट का 1/4 करेंगे 8 इंचेस। उसके बाद हम 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, यानी कि टोटल 10 इंचेस हो जाएगा। वेस्ट का हम 1/4 करेंगे 7 इंचेस, और इसमें हम 2 इंचेस सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, टोटल हमारा 9 इंचेस हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला लेते हैं। अब इसके बाद हम अपनी आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमारी बैक साइड की है, तो हम 1.25 में एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ करेंगे। नेक विड्थ यहाँ पर 2.5 है। शोल्डर स्लोप हम 1/2 इंच की करेंगे, और तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए नेक की तरफ इस तरह से 9 मिला लेंगे। नेक की लंबाई हम यहाँ पर 1.5 इंच रखेंगे। अब यहाँ पर हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। बैक साइड की हम कटिंग कर लेंगे। हमारी ये कटिंग हो चुकी है, अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर 2 पीसेस में कपड़ा ले लिया है। हम यहाँ पर 2 पीसेस कट करेंगे। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, और बैक पार्ट को इस तरह से इसके ऊपर मैंने प्लेस कर लिया है। हमें बैक पार्ट के हिसाब से निशान लगा लेनी है। अब इसके बाद हम अपने फ्रंट आर्म होल के लिए शेप कट करेंगे। अंदर की तरफ हम 1/2 इंच में एक मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ करेंगे। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हमने इस तरह से इसको ओपन कर लेना है। हमने नेक के लिए एक निशान लगाया था, और बॉटम साइड से इस तरह से हमें एक और शेप ड्रॉ करना है। बॉटम साइड से हमें 1 इंच इस तरह से छोड़ देना है। 1 इंच छोड़ते हुए हम इस तरह से शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। इसकी कटिंग हो चुकी है। हमारे पास फ्रंट के ये 2 पीसेस हैं। इस तरह से ये फ्रंट के लिए 2 पीसेस हैं। अब हम बैक पार्ट के ऊपर हम अपने फ्रंट के 2 पीसेस को इस तरह से प्लेस करेंगे। हमें फ्रंट पार्ट में कट करना है, तो इसके लिए हम साइड से 2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए 10.5 में एक मार्क लगाएंगे। अब हमें यहाँ पर एक और शेप ड्रॉ करनी है। इस तरह से हम इस पार्ट में ये शेप ड्रॉ करते हुए नेक लाइन की तरफ जाएंगे। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। हमारी ये कटिंग हो चुकी है। अब मैंने कुछ तिरछी पट्टी इस तरह से लिया है। सबसे पहले हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, और तिरछी पट्टी को हम इस तरह से हमारे जो कट पीस है उसके ऊपर इस तरह से लगाते हुए हम नेक और फ्रंट साइड में इस तरह से लेयर को सिलाई करेंगे, और पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ के हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमारी सिलाई लग चुकी है। फ्रंट और बैक में हमारी नेक बन चुकी है। अब मैंने इस तरह से 2 डोरी बना रखी है। हमें फ्रंट साइड में इस तरह से डोरी अटैच करनी है। हमारे ऊपर वाले लेयर में हम यहाँ पर डोरी अटैच करेंगे, और एक डोरी हम इस साइड से हमें अंदर की तरफ अटैच करनी है। डोरी अंदर रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब देख सकते हो यहाँ पर हमारी डोरी अटैच हो चुकी है, और हमारी यहाँ पर बॉडी की जॉइंट भी हो चुकी है। हमारी ये फ्रंट साइड कुछ इस तरीके से दिखेगी। अभी हमें बॉटम साइड में
फ्रिल लगानी है तो इसके लिए हमें फ्रिल की मेजरमेंट लेनी है। हमें यहाँ से इस तरह से इंची टेप रखते हुए यहाँ से हमें फ्रिल लगानी स्टार्ट करनी है, तो इसलिए हम इसकी मेजरमेंट लेंगे। अभी हमारी ये 36 इंचेस है, तो 36 इंचेस कमर में हमें फ्रिल कट करनी है। इसके लिए मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा बिछा लिया है जिसकी लेंथ यहाँ पर 13 इंचेस है। अभी कॉर्नर से हम 5.5 में एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम 5.5 में एक और मार्क करेंगे और 5.5 में हम सेंटर में भी एक मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। हम फ्रिल की वेट यहाँ पर 7.5 लेंगे। हम चारों तरफ 7.5 में निशान लगा देंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम इन दोनों शेप को कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी ये फ्रिल कट के रेडी हो चुकी है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम एक साइड में फ्रिल को इस तरह से कटिंग करेंगे, यानी कि एक साइड में हम फ्रिल की विड्थ कम करके करेंगे। इस तरह से शेप देने के बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। हमारी ये कटिंग हो चुकी है। अभी हम इसको अपने टॉप के साथ अटैच करेंगे। अटैच करने से पहले हम इसकी बॉटम साइड को इस तरह से डबल फोल्ड में कर लेंगे फोल्ड। अब इसको ओपन कर लेंगे। अभी हम अपने टॉप को सीधा रखेंगे और सीधी साइड में बॉटम में हम फ्रिल को उल्टा रखते हुए इस तरह से हम इसकी जॉइंट करेंगे। हमें बस यहाँ तक इसकी जॉइंट करनी है। यहाँ पर हमारी फ्रिल टॉप के साथ अटैच हो चुकी है। हमने यहाँ पर फ्रिल अटैच किया है और इस तरह से मैंने डोरी को टाई कर लिया है। अब इसके बाद हम अपनी स्लीव्स बनाएंगे। यहाँ पर स्लीव्स हमारी डिज़ाइनर स्लीव्स हैं, बटरफ्लाई कफ स्लीव्स बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम पेपर में स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर में स्लीव्स ड्राफ्टिंग हो चुकी है, जिसकी लंबाई मैंने 9 इंचेस प्लस 1 इंच मार्जिन ऐड करके 10 इंचेस की लेंथ ली है स्लीव्स के लिए। हमने यहाँ पर कैप हाइट 3.5 लिया है। यहाँ पर स्लीव विड्थ हमने 7.5 लिया है और बॉटम साइड में हमने इसकी विड्थ 6 इंचेस लिया है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर सेंटर में इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इस तरह से इस साइड से हम इसकी मेजरमेंट लेंगे और इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से सेंटर तक हम इस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड करते हुए हम यहाँ पर 2.5 में 3 निशान लगा लेंगे। सेम दूसरी तरफ भी 2.5 में हम 3 निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हमारी निशान लग चुकी है। अब हम इस लाइन पे बॉटम साइड से हम 2 इंच पे एक निशान लगा देंगे और इतना एरिया में हम दोबारा 3 हिस्सा करेंगे। यहाँ पर करीब 1.5 इंच में हम एक निशान लगाएंगे और यही निशान हम दूसरे साइड में भी लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर इस तरह से बॉटम साइड में पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। दूसरी साइड में भी इस तरह से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक और उधर से भी और सारे निशानों को इस तरह से हम मिलाएंगे। हमारी इतने एरिया में हम इसका सेंटर करेंगे। हम सेंटर में मार्क करेंगे और इस पॉइंट को यहाँ तक हम मिला लेंगे। हमारी ये निशान सारी लग चुकी है। अब हम कटिंग करेंगे। हम सेंटर से होते हुए इस तरह से हम कटिंग करेंगे। हमें पेपर को पूरा नहीं कट करना है, बस इतने तक हमें कट करके छोड़ देना है।
सेम इसी तरह से बाकी की कटिंग भी हमें इसी तरह से करनी है। दूसरी साइड में भी हमें इसी तरह से कटिंग करनी है। अभी हमारी ये स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है, इसको हम कपड़े के ऊपर रखकर कटिंग करेंगे। यहाँ पर कपड़े को मैंने डबल फोल्ड में बिछा लिया है लंबाई में। अब हम अपने पेपर पैटर्न को इस तरह से कपड़े के ऊपर प्लेस करेंगे। आपको बस ध्यान देना है, यहाँ पर हमने जो कट लगाया था यहाँ पर कट की डिस्टेंस 2 इंचेस होनी चाहिए। इस तरह से मैंने प्लेस कर लिया है। अब इसको हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। यहाँ पर हमने पिन से सिक्योर कर लिया है और इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। हमने यहाँ पर 2 इंच का गैप छोड़ा है। यहाँ से हमने स्लीव हाइट यानी कि स्लीव रोइट 8 इंचेस रखा है और 8 इंचेस में इस तरह से हमने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद हम पूरी स्लीव्स की इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अभी हमारी कटिंग हो चुकी है, पैटर्न को हम यहाँ से हटा लेते हैं। अभी आप देख सकते हो हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब इस तरह से डबल फोल्ड कर लेते हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हो इस तरह से हमारी 2 स्लीव्स है और ये हमारी आर्म होल है और ये हमारी बॉटम साइड है। अब इसको हम अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद हम यहाँ पर आर्म होल से सेंटर में इस तरह से कट लगा लेंगे और यहाँ पर हम अपनी फिटिंग स्लीव्स की फिटिंग कर लेंगे। हम स्लीव्स की बाहर साइड को इस तरह से डबल फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। सेम दूसरे साइड में भी इस तरह से हम आर्म होल साइड सेंटर में कट लगा लेंगे और पूरे स्लीव्स को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई कर देंगे। अभी हमारी सिलाई लग चुकी है और आप देख सकते हो बाहर की साइड हमने फ्रिल को डबल फोल्ड में सिलाई कर लिया है। अभी हमारी आर्म होल साइड है, हमने यहाँ से टॉप के आर्म होल से हमने मेजरमेंट लिया था। हमारी जितनी भी आर्म होल है हमें यहाँ पर निशान लगाया था और नीचे तक हमने अपने फिटिंग के लिए हमने सिलाई लगा दिया है इस तरह से। सेम दूसरे साइड में भी आर्म होल से मेजरमेंट लेके हमने यहाँ पर इसकी सिलाई कर दी है। अभी हमें यहाँ पर बॉटम साइड में कफ अटैच करनी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 11 इंचेस लेंथ और 5 इंच वेट के लिए कपड़ा ले लिया है। अब इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। किनारी से दोनों साइड से हम इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसको राइट साइड में टर्न कर लेंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दिया है और इसको राइट साइड में टर्न कर लिया है। अब इसको हम अपनी स्लीव्स के ऊपर रखकर अटैच करेंगे। स्लीव्स को सीधी साइड में रखा है और कफ को हम इस तरह से उल्टा रखते हुए एक साइड से होते हुए हम दूसरे साइड तक इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब इसको हम इस तरह से टर्न करेंगे। ऊपर वाले लेयर को हम स्लीव्स के ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर अटैच कर लेंगे और चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। सेम दूसरे साइड में भी इस तरह से हम कफ को स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे। कफ को राइट साइड में टर्न करते हुए हम इसको फोल्ड करते हुए हम स्लीव्स के ऊपर इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर हमारी कफ स्लीव्स की तरह अटैच हो चुकी है और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर टिच बटन भी लगा दिया है और कुछ सो बटन भी अटैच कर लिया है। अब इस तरह से हमारी ये स्लीव्स की लुक है। अभी ये हमारी राइट साइड की स्लीव्स है, यहाँ पर ये आर्म होल साइड है, तो दूसरे स्लीव्स को भी हम इस तरह से टिच बटन में अटैच कर लेते हैं। आप देख सकते हो हमारी ये दोनों तरफ के 2 स्लीव्स हैं, इसको हम अपने टॉप के साथ अटैच करेंगे। हम अभी अपने टॉप को सीधी साइड में रखा है।
सीधी साइड में हमने स्लिप्स को भी रखा है और स्लिप्स को उल्टा करते हुए हम आर्म होल में इस तरह से हम मेजर कर लेंगे। हमारी ये बिल्कुल परफेक्ट है और यहाँ पर हम सिलाई लगाते हुए पूरे आर्म होल की स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद हम अपनी स्लिप्स को राइट साइड में टर्न कर लेंगे। सेम दूसरे साइड में भी इस तरह से हमें स्लिप्स को उल्टा रखते हुए हम सेंटर से सिलाई करते हुए पूरे स्लिप्स की सिलाई कर लेंगे। इसके बाद हम अपने इसको राइट साइड में टर्न कर लेंगे। अभी आप देख सकते हो हमने यहाँ पर स्लिप्स अटैच कर लिया है। स्लिप्स अटैच होने के बाद ये और अट्रैक्टिव हो चुकी है। आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए। अगर ये स्लिप डिज़ाइन आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसी तरह से नए नए डिज़ाइन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। हम इस तरह से और अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।